का गया ही है, आते हैं खाते हैं पीते हैं उसका से निकल जाते हैं, बस खाने सोने से मतलब है। और ये नहीं हमें मारने पीटने लगे हैं, सोचे कि मम्मी पापा नहीं है तो इसे जैसे मम्मी पापा नहीं मतलब मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए हैं और चार बचपन में नहीं रखेंगे, यही हाल होगा, फिर ले लेंगे, फिर मारे पीटेंगे, फिर मांगेंगे तो हम कहाँ से देंगे। हेलो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस घूमू चैनल में। कैसे हैं आप लोग जरूर बताएगा। और दोस्तों इंटरव्यू वाले लोग आ गए हैं, वहाँ पर हैं, देखिए वहाँ पर हैं, और अभी इंटरव्यू लिया जाएगा तो आप सभी को दिखाएंगे। अभी वहाँ पर हमारा घर है, वहाँ से हम लोग यहाँ मड़ई पर आए हैं इंटरव्यू देने दोस्तों, क्योंकि लोकेशन यहाँ का थोड़ा अच्छा आ रहा है, घर का लोकेशन नहीं अच्छा आ रहा था तब यहाँ पर इंटरव्यू होगा। अभी तो एक इंटरव्यू वाले आए हैं, अभी बहुत सारे लोग आएंगे, भारी पारा सबको ही आएगा दोस्तों, एक ही बार सबको बुला लेंगे तो जानते हैं ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों रिकॉर्डिंग करने वाली ये रहेंगी, वहाँ पर शबनम है, देखिए आज इंटरव्यू देंगी पहली बार, सालू का शबनम। दोस्तों इस समय यश नाम से लोग बहुत परेशान हैं, कोई कहा है तो हमको भी ध्यान पड़ा है, यश नाम वाले परेशान, जितने लोगों का यश से नाम है वो लोग बहुत परेशान हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या ये सच है, जो जो यश नाम से है उसका ज़िंदगी इस समय ख़राब चल रहा है तो बताइएगा। देखिए साहिल जी का भी पापा का तबीयत ख़राब है तो भी बहुत परेशान है, शबनम भी बहुत परेशान है, और वहाँ पर है इंटरव्यू वाले लोग, देखिए हमारे पति इंटरव्यू वाले देखिए वहाँ पर हम बातचीत चल रही है कुछ, यहाँ पर हमें तो अभी आप सभी को दिखाया जाएगा, ठीक है इंटरव्यू में मिलते हैं, जाओ जैसे मन करे वैसे रहो। तो हमने बोला ठीक है, तो लोग हमें मारने पीटने लगे हैं, सोचे कि मम्मी पापा नहीं है तो इसे जैसे मम्मी पापा नहीं मतलब मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए हैं, और चार बचपन में और चार भाई थे, तीन एक्सपायर हो गए और एक बचे हुए हैं, तो उनको हम लोग से मतलब नहीं है, उनकी बीवी भी हैं, बच्चे उच्चे हैं तो अपने लेकर किनारे रहते हैं। तो क्या लगता है कि दहेज अगर आप और एक्स्ट्रा उनको दे दोगे तो रख लेंगे? नहीं रखेंगे, यही हाल होगा, फिर ले लेंगे, फिर मारे पीटेंगे, फिर मांगेंगे तो हम कहाँ से देंगे, और हमारे पास क्या है कि हम दे देंगे उसको। यही है मेरा यूट्यूब चैनल था तो उसे थोड़ा पैसा वैसा आने वाला था, तो उन लोगों को पता चला कि इसका पैसा आने वाला है, तो बोले कि सब पैसा निकाल को पैसा निकाल के दो, हम शादी कराएंगे अपनी बहन का है, तो हम बोले कि अभी तो हमारा पैसा आया नहीं, हम निकाल नहीं पाएंगे तो हम आपको कहाँ से देंगे, तो बोले कि नहीं दोगी, तब इसी पर मारने पीटने लगे हमको। तो बताइए हम कब शादी हुई थी? 2021 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लेहड़ा मंदिर। मंदिर पे नहीं हुई थी? अरे मंदिर पे नहीं हुई थी, मतलब पे हुई थी महाराजगंज जिले में, जिला महाराजगंज। हाँ। और थाना कौन सा है? फरिंदा। अच्छा चलो, कभी अपने स्थानीय थाने पर जाकर के अपनी बातों को कहा कि नहीं मतलब मेरे साथ मेरे ससुराल वाले इस तरह से कर रहे हैं? हाँ हमने बहुत कहा, और इतनी भी गया तो मैम बोली कि ठीक है हम बुला देंगे, पर उतना इतनी से नहीं लोग आएंगे कि हम ऐसे बुलाएंगे तो चले आएंगे सब। बहुत कोशिश की है हम लोग कि बुला कर समझौता हो जाए हम दोनों के बीच में, पर नहीं लोग आए, हम लोग को जितने बार बुलाए हम लोग गए तो नहीं आते थे। पति का नाम है औधलाल। और आपके ससुर का? सुरेश शान। तो उन लोगों का व्यवहार कैसा आपके साथ में? उन लोग का भी व्यवहार अच्छा नहीं, हमको बहुत गंदा गंदा गाली देते हैं, और उनकी बहन उनकी माँ हमको मारती पीटती थी, और वो भी लोग गाली हमको देती थी बहुत गंदा गंदा। काम मतलब काम कुछ देरी हो जाता था कि करने के काम नहीं कर पाते थे, उसके लिए भी गाली ताना लोग मारती थी। ठोस वजह कोई बताओ जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार तुमसे नफरत करता है, क्या वजह हो सकती है, क्या देखती हो किस तरीके से? यही दहेज। दहेज के चक्कर में? दहेज को लेकर के आपको पड़ताल करते हैं? हाँ। और आपके पति आपको रखना नहीं चाह रहे हैं? वो तो रखना चाह रहे हैं, वो कर हम रखेंगे, लेकिन ये नहीं रहना चाहती। बताइए जिसके घर में रोज मार पीट हो, अच्छे से खाना ना मिले, अच्छा से पति व्यवहार ना करे, मान लीजिए जब पति रहता है साथ में हंसता है बोलता है तो अच्छा लगता है, मान लीजिए अगर यही है आते हैं खाते हैं पीते हैं उसका से निकल जाते हैं, बस खाने सोने से मतलब है, और ये नहीं कि हमारी बीवी क्या खाई है, तबीयत खराब है कि नहीं है, ये सबसे किसी चीज से मतलब। सुबह खाते हैं खा कर निकल जाते हैं, शाम को आते हैं पी उकर ताश उस खेलते हैं, सबसे ज्यादा इसी से दिक्कत है, जब पति का प्यार ही नहीं मिलेगा तो कौन रहेगा वहाँ पर। अच्छा,
जब मारेंगे पीटेंगे, केवल मारेंगे पीटेंगे, फिर उसके बाद से चले जाते हैं, दिन भर गायब रहते हैं, जुआ खेलते हैं, दारू पी के शाम को आते हैं, फिर मारते पीटते हैं, सो जाते हैं। कि हमको मारते पीटते हैं तो हमारे दीदी जी हमको बात नहीं कराते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं। हम लोग के साथ हुआ, हम लोग फोन करते थे, हमारे पति भी फोन करते थे, कहीं दसन बार फोन करते हैं तो बात नहीं कराते थे। हमारा हाथ उठ बांध के सब कमरे में बंद कर देते थे और खाना पीना कुछ नहीं देते थे। कहते हैं कि जब बोल के वहाँ से फोन की थी चोरी से, तो रिकॉर्डिंग भी भेजी थी कि हमारा गोड़ हाथ सब बांध दिए हैं दीदी, अगर हम मर जाएंगे यही सब इसके जिम्मेदार होंगे, तुम रिकॉर्डिंग कर लो। वो सब हमारे पास है। हम दीदी के पास कॉल करके बोले थे कि रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आपकी कभी मेरे साथ ऐसा हो तो आप लोग जरूर ये वीडियो दिखाइएगा, और हम साबुत देकर मानना चाहते थे। पर दीदी के पास फोन किए कि दीदी जी मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, तो दीदी बोली कि आओ मेरे पास, हम तुमको स्थिर करेंगे, बचाएंगे। इसी के डर के वजह से मैंने बोला कि हमको ले चलिए, हमारे घर पहुंचा दीजिए, फिर भी नहीं लेकर आते थे, मारते पीटते हैं। तो हम कहें कि लेकर आइए, आप भी रहिएगा साथ में, आइए भी रहेगी, दोनों लोग हम यहीं पर रूम दिला देंगे। मान लीजिए सास ननद मारती हैं तो अच्छा नहीं लगता था, हमको बोले हैं कि आइए आप यहाँ, हम आपको रूम दिला देंगे, यहीं काम दिला देंगे, आप यहीं पर हम लोग के सामने रहिएगा। तो बोले ठीक है, और हमको मालूम नहीं था कि इतना मार मारे हैं। जब यहाँ पर आए, जब देखे इतना इसको चोट लगा था, पैर में चल नहीं पा रही थी, यहाँ पर पूरा काला काला मारे थे, साट पड़ गया था, कान में भी काला काला जम गया था, इतना जोर से मारे थे। उसके बाद से हम कहें, जब उनको देखे इतना मारे, तुरंत हम लोग उनको थाना पर ले गए। फिर भाग रहे थे हमारे पति उनके चाबी गाड़ी का निकाले, नहीं तो भाग गए होते उसी बार, थाना पर भी नहीं गए। फिर उसके बाद से थाना पर हम लोग साथ में लेकर गए, जो भी हुआ काम पूरा मैम को दिखाया, जो चोट लगा था सब दिखाएं। मैम बोली क्यों नहीं तुम लोग पुलिस के पास जा रही, वो मारता है यहाँ पर। लेडीज में हम लोग गए थे, महिला थाना गए थे, तो बोले यहाँ पर जेंट्स लोग आए नहीं कि हम इसको मरवा देते। हम बोले मैम मारना नहीं है, क्योंकि हम लोग उनसे कहे थे चलिए थाना, जा नहीं रहे थे हम लोग, कहें चलिए थाना पर चलेंगे, हम मारने नहीं देंगे, बस वहाँ पर आप रहिएगा, बात कर लीजिएगा। समझिए साहब, जिस लड़की का घर में माँ बाप ना हो, जिस लड़की का अब भाई भी ना रहा हो, अब वो दहेज कहाँ से ला करके देगा। दहेज रूपी दानव आज भी हमारे समाज में जिंदा हैं, और इस तरह की लड़कियां उनकी शोषण की शिकार बन जाती हैं, और फिर इनकी जिंदगी नरक बन जाती है। क्या अंतिम फैसला क्या है तुम्हारा, सबनम क्या चाहती हो? मेरा यही अंतिम फैसला है कि हमें वो तलाक दे दे और मैं फिर वो भी अपना अच्छे से रहे। इनकी जीजा हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है कि तलाक ही एक अंतिम फैसला आप लोगों का? सही है, अब तलाक हो जाएगा तो सही रहेगा ना, वो भी जहाँ रहे आजाद, क्योंकि हम लोग दो दो बार भेज चुके हैं तो नहीं कुछ रह पा रही हैं। ये 20 दिन भी नहीं रही थी वहाँ पर, 20 दिन में 10 दिन रो रही थी, 10 दिन ठीक रही थी। चाचा दिन खाना नहीं मिलेगा और हमको बांध के रूम में रखेंगे, इतनी गर्मी धूप थी और घर में पंखा भी अच्छा से नहीं था, और वहीं पर सब बांध के हमको ढकेल दिए थे, खाना पीना कुछ नहीं। अब बताइए ना, और हम लोग से बातें करते थे तो कहते थे लोग ठीक है खाना ना खाइए सोइए, बात नहीं, लेकिन हम किसी से बात भी नहीं कर पाते, जैसे कि स्नैप नहीं होता है, वैसे मेरे साथ करते थे लोग। कोई एक्स्ट्रा अफेयर उस लड़के का? नहीं, अफेयर नहीं है। अब कहा जानेंगे, कैसे नहीं पता है, तभी नहीं। ऐसा तो नहीं की आपसे नाराज हो गई, आपका किसी से एक्स्ट्रा अफेयर हो? नहीं, मेरा अफेयर नहीं है किसी से, तो और कोई वजह नहीं है, सिर्फ प्रताड़ित करना दहेज को लेकर। हाँ, दहेज को लेकर हमको। शादी उदी की बात आप कर रहे थे, कि उनकी शादी उदी भी? हाँ, उनकी शादी ठीक आई थी। जब हम इस बार गए, हमारी दीदी हमको भेजी समझा कर, तो हम गए तो हमको नहीं पता था कि एक हफ्ता शादी है इनका, तो हम जाए तो इनका अभी सौभाग्य कहा जाएगा कि इनकी बहन है जो, और इनके जीजा है, एक अच्छे इंसान के रूप में है तो इनको एक्सेप्ट किए, नहीं तो आज के जमाने में अपना खर्चा चलाना मुश्किल होता है साहब, तो किसी और का खर्चा कहाँ। अगर हम लोग नहीं रहते तो मारते पीटते, मुआ फेंक देते, कोई नहीं रहता, फिर अपनी दूसरी शादी कर लेते, क्योंकि लोग कह रहे थे कि अरे रजनी कौशला का कहीं नहीं है इस संसार, जैसे कुछ जो लोग जा रहे थे पूरा आउट एरिया, कहते हैं यहाँ पर कितने लोगों को हम लोग मार के फेंक दिए हैं, कोई नहीं बचाने आए, तुमको भी ऐसे मार के फेंक देंगे, वो सब उतना दूर से कहा करने आएंगे, आएंगे तो हम लोग जवाब दे देंगे। चलिए, उनके लिए एक मेरा मैसेज है कि कहना बड़ा आसान है, लेकिन एक बार करके देखिएगा, आपकी जो भी ना कंडीशन है, जितना बोल रहे हैं एक बार समझ में आ जाएगा, जब प्रशासन का डंडा चलेगा। अभी फिलहाल प्रशासन भी चाह रहा है कि इस मामले को जल्दी से सॉल्व किया कर लिया जाए, तो मेरी भी उम्मीद है कि आप समझेंगे और जो एक अंतिम फैसला होगा आप लोग समझ लेंगे आपस में। वैसे हमारी इन सबसे सभी लोगों से बातचीत हुई, इनकी कहानी को लेकर के, इनकी जीवनी को लेकर के, क्या होना चाहिए कमेंट करके आप बताइएगा, क्या प्रशासन को भी इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए या तलाक ही इसका आखिरी फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया।